हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेक सिटी उदयपुर में आज 69वां वन महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से बलीचा इलाके में स्थित बड़ बड़मेश्वर महादेव में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कटारिया के साथ ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, UIT चेयरमैन रविन्द्र श्रीमाली सहित वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। वन महोत्सव के अंतर्गत कटारिया ने स्कूली छात्र छात्राओं एवं जन भागीदारी से वृक्षारोपण किया। इस मौके पर कटारिया ने समारोह में मौजूद सभी लोगों से वृक्षों के संरक्षण का आह्वान किया। कटारिया ने कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पौधों का रोपण कर उनका संरक्षण भी करें। इस दौरान कटारिया ने समारोह में आए आसपास के इलाकों के ग्रामीणों को फलदार पौधे वितरित किए। इसके अलावा स्कूली बच्चों को और प्रकृति प्रेमियों को कटारिया ने बीज भी वितरित किए, ताकि बारिश के इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा वृक्षों का रोपण हो सके। इस दौरान चिरवा के घाटे में स्थित फूलों की घाटी और उदयपुर शहर के आसपास करीब 85,000 से अधिक पौधों के रोपण में अपनी महती भूमिका निभाने पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का सम्मान भी किया। गौरतलब है कि कटारिया द्वारा सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों को 1,00,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें करीब 85,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जिले का वन महोत्सव है, ये 69वां वन महोत्सव है, हर साल मनाते हैं। एक तरह से फॉरेस्ट के सारे कामों से और वृक्षारोपण से केवल सरकारी विभाग ही नहीं, सामान्य जनता भी उस काम के साथ जुड़े, इसके लिए इस महोत्सव को मनाते हैं और हर साल प्रयत्न करते हैं कि हम सब मिल करके इस शहर के आसपास अच्छा वृक्षारोपण करें, जंगल को बचाएं। पिछले साल भी लगभग हमने 1,00,000 लगाए थे, इस बार भी हमने 1,00,000 का टारगेट रखा। अभी तक हमने 86,000 पौधे जो है वो लगा दिए हैं। बच्चे कुचे हैं वो भी हम 5-7 दिन में पूरा कर देंगे। ये लगाए ही नहीं है, इनको सर्वाइव भी करना है। अगर एक पौधा भी मरेगा तो उस जगह दूसरा पौधा लगाना है, ताकि एक भी जगह उस पर खाली नहीं रहे। तो मैं सोचता हूँ कि उदयपुर सुंदर है, इसको और सुंदर बनाने के लिए जो नंगी पहाड़ियाँ दिख रही है उनको टारगेट बनाने का प्रयास करें कि उदयपुर के आसपास की सब पहाड़ियों पर अच्छा वृक्षारोपण हो जाए, ताकि कम से कम इस साल हम यहाँ का जो गर्मी का टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री डाउन करने में अगर सफल हो गए तो हमें लगेगा कि हमने जो प्रयत्न किया उसका परिणाम आया। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।